आलोक जी, कांग्रेस सुबह जो है वो हरियाणा में जो है वो बढ़त पा रही थी, और उसके बाद 11-12 बजे आते हुए बीजेपी ने जो है बढ़त पा ली। कैसा नहीं, अभी लग 11 ही बजे हैं और अभी केवल 2 से 3 राउंड की काउंटिंग समाप्त हुई है। 20-22 राउंड की काउंटिंग बची हुई है। दोनों राज्यों में पूर्ण बहुमत की कांग्रेस की सरकार बनेगी। आप देखिए, अभी 2 घंटे रुकिए। 30 से ऊपर से ज्यादा सीटों पर जो है वो कांग्रेस जो है वो जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ी थी, और अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर केवल 8 सीटों पर आगे है कांग्रेस। नहीं, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट को तो भूल ही जाइए। वो तो जिस तरह से काम करती है, पीएमओ से जो फोन आता है वो काम करते होंगे वो लोग। अभी तक पूरे आंकड़े लोकसभा के नहीं अभी तक वेबसाइट पे डाले हैं उन्होंने, तो अभी 2 घंटे में आप इलेक्शन कमीशन से क्यों उम्मीद करते हैं? ग्राउंड की रिपोर्ट हमारे पास जो आ रही है, दोनों राज्यों में पूरी पूर्ण बहुमत की सरकार बना रहे हैं। जम्मू कश्मीर में कितनी सीटें आ रही हैं, क्योंकि अभी तक 55 प्लस एनसी और कांग्रेस की आएंगी। कांग्रेस अकेली कितनी निकाल, अभी उतना नहीं कह सकते, अभी आने दीजिए आंकड़े। क्या लग रहा है आपको, सीएम का फेस कौन होगा अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मिलकर सरकार बनाती है? नहीं तो विधायक दल और तमाम पार्टियां और इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी तो दोनों लोग बैठ के तय करेंगे। और हरियाणा में जो हुड्डा और शैलजा जी के बीच में जो तनाव चल रहा है, कोई सीएम तनाव फेस नहीं को है, दोनों ने चुनाव लड़ा अच्छे से। हम सरकार बना रहे हैं, विधायक और हाईकमान मिलकर यहाँ पर भी तय करेंगे सीएम कौन।